बहुत दिनों से बाजार जाके आलू की टिक्की खाने का मन था, तो बाहर थी बारिश, तो हमने सोचा क्यों ना घर पर ही आलू की टिक्की बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए हमने 5 उबले हुए आलू को छिलका उतार कर इसे ठंडा कर लिया था। अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। लीजिए, हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच पिसी सौंठ, आधा छोटा चम्मच अनारदाना पिसा हुआ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, नमक स्वादानुसार, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये क्रिस्पी बने। अब इसमें हाथों में लेंगे ऑयल और आलू का मिक्सचर थोड़ा लेते हुए हथेली से गोल गोल घुमाते हुए इसकी टिक्की बना लेंगे। लीजिए, हमारी आलू की टिक्की तैयार है। अब गैस पर रखेंगे तवा, और जब तवा गर्म हो जाए तो उसमें ऑयल लगाएंगे और आलू की अपनी टिक्कियां रखेंगे, और एक साइड सिकने के बाद दूसरी साइड भी ऑयल लगाएंगे और फिर से टर्न करेंगे और दोनों साइड क्रिस्पी होने तक तल कर निकाल लेंगे। लीजिए, हमारी टेस्टी और क्रिस्पी आलू की टिक्की बनकर तैयार है। अब इसे बाजार जैसा चटपटा बनाने के लिए थोड़े से दही डालेंगे, थोड़ी सी मीठी चटनी, थोड़ी सी धनिया पुदीने की चटनी, और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, हल्का सा नमक, स्प्रिंकल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है, और कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, थोड़े से अनार के दाने डालेंगे। देखिए हमारी कितनी टेस्टी क्रिस्पी चटपटी आलू की टिक्की बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।